बहुत टेस्टी लग रहा है खाने में, बहुत ब्यूटीफुल लगता है खाने में, टेस्टी लगता है खाने में पापड़। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं शिवम कुमार, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज चावल की पापड़ बना रही हूँ। बीच में थोड़ा स्पीड कर दिए हैं वीडियो। चावल थोड़ी थोड़ी मसाला डालना है इसमें, थोड़ी अजवाइन डालना है, थोड़ी जीरा डालना है, थोड़ी सी हल्दी डालना है इसमें, थोड़ी थोड़ी डालना है, अच्छे लगे खाने में, थोड़ी सी नमक डालना है। सही पानी देना कराई में निकालेंगे। देख सकते हैं आप लोग चावल की पापड़। जो भी देखेगा तो पूरे वीडियो देखिएगा, जब समझ में आ जाएगा कैसे बनते हैं चावल के पापड़।
आप लोग देख सकते हैं कि कैसे हमने धूप में इसे डाल रहा हूँ सूखने के लिए। आप लोग देख ही लिए होंगे कैसे सिलबट्टा पर हमने पीस के इसे सब मसाला मिला के बनाया है। और देख लीजिए सूखने के बाद कम से कम 2 दिन सूखने देना, फिर ऐसे बनेंगे जैसे तल रहा हूँ तेल में। कैसे तल रही हूँ तेल में, सूखने के बाद जब करारी होंगे जब तेल में इसके तलना है, जब ऐसे फूलेंगे तेल में ये कितने अच्छे बन रहे हैं आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग के समझ में आ गए होंगे तो ठीक है, नहीं आ गए होंगे समझ में फिर कमेंट करना, फिर से हम बनाएंगे। अगर आप लोग बनाना चाहते हैं इसे पापड़ तो चावल के, हमने कच्चे चावल के पीस के बनाए हैं। गांव से आप लोग ऐसे पूरे वीडियो में बना रहिए, पूरे वीडियो देखिए जब समझ में आ जाएंगे कैसे बनाते हैं, और फिर देखिए खाकर कितने टेस्ट आते हैं इसमें खाने में, बहुत अच्छे लगते खाने में। हमने बहुत सारे बनाए हैं, थोड़ी सी में तेल में निकालना हूँ आप सबके देखने के लिए। देखिए कितनी अच्छी लग रही है खाने में, आप लोग कमेंट में अवश्य बताना, लाइक कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। देख सकते हैं बहुत अच्छे लगते खाने में। देखिए मेरे दोनों बेटा खा रहे हैं, एक के पता नहीं करने गया खेलने के लिए। बहुत सुंदर खाने में लगते हैं बनाने के बाद, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा पड़ते हैं इसमें, कोई बात नहीं।